इस वक्त हम लोग शिवहर में, और शिवहर से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है कि यहाँ पे वर्तमान मुखिया पति को बेलगाम अपराधियों ने गोलियों से भून दिया है। और यहाँ पे इस वक्त उनके शव को पोस्टमार्टम के बाद ला दिया गया है। और गांव का और इस पंचायत का और दूर दूर के तमाम बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जिसमें लोगों का तांता लगा हुआ है। और आप साफ तौर पर बातें समझ सकते हो कि बिहार में जो अपराधियों का जो ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और हत्याएं जो दिन प्रतिदिन हो रही है वो थमने वाली नहीं आई चुकी है। जो सरकार है नाकाम सरकार है और बिहार पुलिस वालों को नाकाम बनाते जा रही है। यहाँ पे अपराधियों की जो बंदूकें हैं टोकरियों से गोली उगलती है, लेकिन बिहार पुलिस की बंदूकें केवल शोभा बढ़ाने के लिए और नेताओं की सुरक्षा के लिए है। और इस प्रकार यहाँ पे वर्तमान मुखिया पति की हत्या कर दी गई। एक चाचा हमारे सामने है जो काफी हतोत्साहित हो गए हैं, शायद हत्या के वक्त चाचा आप वहाँ पे थे। घटना कैसे कब हुआ था उसके बारे में बताइए। घटना हुआ कि जो हम लोग वहाँ पर बैठ कर के चाय मिला, चाय पी रहे थे। कहाँ पे चाय पी रहे थे चाचा? मुखिया जी के दूरा पर, बिजली सिंह मुखिया के दूरा। अच्छा। हाँ, वहाँ पर चाय पी रहे थे। अभी चाय पीबो न किए थे तो ले उधर से एक आदमी आया नटे नटे छोकरा। अच्छा। मुखिया जी कहा कि प्रणाम प्रणाम मुखिया जी, कहते हुए गोली मार दिया। अच्छा, प्रणाम कहते हुए गोली मार दिया। मुखिया जी भागे वालन से एक शब्द बोले कि बाप रे बाप, भागे मुखिया जी से धक्का लगा हमको, हम गिर गए उसी जगह। एक बाद मुखिया जी अंदर भागने लगे अपना जान बचाने के लिए, बाह में होती घड़ी गोली लगा था। अच्छा। तो भागने लगे तो पीछे से दो गोली उनको। अच्छा, जो अपराधी वहाँ पे आया था उनको मारने के लिए कितने के संख्या में था से नहीं बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते नहीं हैं। लेकिन एक गोली बांह में लगा, मुखिया जी जान बचाने के लिए भागने लगे और आपको धक्का भी मुखिया जी से लगा, आप गिर गए और उसके तुरंत बाद अपराधियों ने उनको दो गोली पीछे से मार दिया। यानी कुल मिलाकर मुखिया जी को तीन गोली लगा। इसमें एक गोली बांह में लगा और दो गोली पीठ में लगा। अच्छा, उनकी मौत स्पॉट पे ही हो गई थी या इलाज के दौरान हो गई? लेकर के सब भागा है मुजफ्फरपुर, कहाँ गया है और कहाँ पर हुआ है सब वही सब बता। अच्छा, जो अपराधी चाचा आया था उनको गोली मारा, मुंह ढक करके आया था कि ऐसा ही खुला आया था? खुले था, जो मारा ना उसको देखे थे कि खुले था, कॉले कॉले था, अपना पंचायत के नहीं था, इधर आसपास का नहीं था। लेकिन चेहरा खोल के आया था। हाँ, चेहरा खोल। अच्छा चाचा, आप जहाँ पे चाय पी रहे थे, मुखिया जी जहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे, वहाँ पे कितने लोग थे? पाँच छः आदमी थे हम। अच्छा, उन लोगों में से कोई नहीं पहचाना उसको? कोई नहीं पहचाना, सब तो भागने के शुरू में जान। अच्छा, गोली चला था, सब लोग भागने लगा। पहचाने कौन की कौन की है का है। और आगे बिहार में अपराधी कितने बेलगाम है वो बताने की जरूरत नहीं है। चाचा ने जिस बात को बताया, जिस बात को इन्होंने बयां किया कि अपराधी खुले चेहरे में आता है और बैठ करके चाय पीते हुए वर्तमान मुखिया पति को गोलियों से भून करके चला जाता है। और इस स्थिति को देख करके यहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ, इस यहाँ के माहौल को देख करके आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक जब मुखिया सुरक्षित नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर थप्पड़ चल जाता है, मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की तो बात छोड़ दीजिए। हम लोग बार इस प्रकार की खबर लगातार दिखाते हैं और हर उस इलाके से दिखाते हैं और मकसद एक ही होता है कि शायद हमारी खबर का असर हो और बिहार में अपराध का ग्राफ घटे और लोगों का जान सुरक्षित रहे। लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं है और जितनी ज्यादा खबर चलाएंगे उतनी ज्यादा हत्या होती जाती है। और ये बातें देख करके सभी लोग कंफ्यूज हो गए हैं। अभी तक 6 बजे का घटना है, 6 बजे से लेकर अभी तक पुलिस प्रशासन, 200 पुलिस प्रशासन आए हुआ है, बैठ के उनके घर पर चाय पी रहा है, लेकिन घर में अपराधी बैठे हुए हैं लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। अच्छा, अपराधी के बारे में पता है? अपराधी के बारे में पता कि पंकज सिंह अपराधी है। पंकज सिंह अपराधी? पंकज सिंह। पंकज सिंह कौन है? पंकज सिंह जो बैठा कर चाय पिलाए हैं उसके, उनके साजिश के तहत ये सारा काम हुआ है। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि पंकज सिंह ने इनको साजिश के तहत बुलाया और बुलाने के बाद गोली मरवा दिया। तुरंत 5 मिनट में आदमी को बुलवा कर गोली मरवाया, तो क्या किनका उनका साजिश नहीं है? हमारे दरवाजे पर कोई किसी को बुलाए और आपको गोली मार दे 2 मिनट में। अच्छा, आप कौन है सर? प्रभु कुमार यादव, मुखिया जी के कुछ है? मुखिया जी का छोटे भाई है। मुखिया जी का छोटे भाई है, यानी कि आपका साफ तौर पर आरोप है कि इनको साजिश के तहत चाय के लिए वहाँ पे बुलाया गया और बुला करके हत्या करवा दिया गया। बिल्कुल। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि जो पंकज सिंह है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए? पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, अभी तो पता लगेगा वो आदमी अपाची वाले कौन आए थे। और इस मामले में बहुत बड़ी अपडेट मुखिया जी की भाई बता रहे हैं, और इनके बातों में सच्चाई हो तो प्रशासन सबसे पहले उसको पकड़े। हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है, अभी तक एसपी साहब जाके उनके घर पर चाय पी रहे हैं। एसपी साहब चाय पी रहे हैं, बैठ के रलिया मना रहे हैं, वहाँ उनकी औरतें एक बात सुन रहे हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं उनके द्वारा ली जा रही है। क्या प्रशासन का इसमें कड़ी धरी साजिश है कि नहीं? 2 घंटा में चाहे प्रशासन तो क्या उनको अरेस्ट नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्या अभी सारा पूरा जिला का प्रशासन यहाँ बैठे हुए हैं मुखिया जी के संस्कार करवाने के लिए? अभी तक कोई भी एक भी अपराधी अरेस्ट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ आखिर?
क्या बात है, क्यों नहीं हुआ? 5,000 जनता आए हुआ है यहाँ, क्या कर रहे हो? क्या जनता को देख रहे हैं कि उनका घर जलाने हम लोग जा रहे हैं? हम लोग इतना बुधुआ समझ रहे हैं? इसका काम होगा, हम लोग पहले संस्कार कर रहे हैं, हम ज़्यादा बुद्धू नहीं हैं, हम सब समझते हैं। और इस भैया को ये जरूर पता है कि तोड़फोड़ और आगजनी इस समस्या का समाधान नहीं, नहीं है। हमारे लड़के जा रहे थे लेकिन उनको हम लाए हैं मोड़ के, हम कहे नहीं ऐसा नहीं करना है, जो करना है अनलीगल काम नहीं करना है, लीगल काम करेंगे। प्रशासन अभी कुछ करती है ठीक है, उसके बाद हमारा रंग देखेंगे प्रशासन, हम भी अपना तरीके से करेंगे। और अपने भाई की हत्या के बाद बौखलाए भाई साहब जो साफ तौर पे आरोप लगा रहा है कि पंकज सिंह ही हत्यारा के साथ शामिल था और साजिश के तहत मुखिया जी की हत्या करवा दिया गया। अब मैं आपको बता दूं, बताने की जरूरत भी नहीं है, सभी लोगों को पता है कि बिहार में जब से पंचायत चुनाव हुआ है उसके बाद अपराध का ग्राफ ऑटोमेटिक काफी हाई हो गया और प्रमुख उप प्रमुख मुखिया और मुखियापति न जाने किस किस जनप्रतिनिधियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। उसके बाद भी हर जिले की प्रशासन मौन है, यदि प्रशासन चाह दे तो घंटों में इसका हो सकता है, लेकिन पीछे क्या वजह है मुझे नहीं पता। और सामने उनके शव को रखा गया है और परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है, उनके ऊपर क्या आप बीती हो रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। जिस परिवार का मुखिया उजर जाए, जिस परिवार का मुखिया की हत्या कर दिया जाए, जिस पंचायत के मुखिया की हत्या कर दिया जाए, उस पंचायत के लोगों के ऊपर क्या बीतता होगा और इस परिवार के लोगों के ऊपर क्या बीतता होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। और मैं जाते जाते यहाँ के SP साहब महोदय से कहना चाहता हूँ, DSP साहब से कहना चाहता हूँ कि महाशय आपके ऊपर पूरी जनता का उम्मीद किया, यहाँ पे हजारों की संख्या में दिखाइए अशोक भाई, यहाँ पे हजारों की संख्या में वो जनता है जो मुखिया जी के हत्यारे को पकड़वाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं चाहते हैं आप? कुछ चाहते ही नहीं, नहीं गलत हुआ है, क्या चाहते हैं? इंसाफ मिलना चाहिए। क्या बता रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? उसको जल्दी क्यों यहाँ पे आए, क्यों आए? हम सब लोग चाहते हैं हथियारा पकड़ाना चाहिए, पकड़ाना चाहिए सभी लोगों का, ये मांग है। अगर प्रशासन का अगर दम है तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? कोई बात नहीं, हथियारा पकड़ाना चाहिए। प्रशासन कुछ लोग कुछ नहीं करेंगे तो उसके बाद में हम लोग करेंगे। खून चाहिए, हम लोग खून चाहिए। और अभी तक ऑप्शन यहाँ पे बैठी हुई है, आज तक अभी तक कोई छापमारी नहीं हुआ है। हालांकि जिला में मतलब नंबर 1 आदमी जाने जाते थे, अभी तक प्रशासन कुछ नहीं किया। मतलब कि जिला में भी हड़कंप मचना चाहिए ना, प्रशासन बैठी हुई है आराम से, इसका मतलब प्रशासन मिला हुआ है, प्रशासन आके चाय पी रहे हैं। कोई सर्दी गर्मी नहीं, कुछ नहीं होने वाला था, डायरेक्ट इस्तीफा दे दो। हाँ क्या बता रहे चाचा, आ गया ये, थोड़ा हटिए चाचा से बात करने दीजिए, बताइए। उनके यहाँ आवेदन दिया गया था कि हमारे जान पर खतरा है, हमको बॉडी गार्ड चाहिए। अच्छा पहले से आवेदन दिए थे? दिए थे, आवेदन दिए थे, मैं डगे के तौर पर कहता हूँ। क्यों चाचा, बहुत बड़ा बात बता रहे हैं आप। ये लोग इस गांव का बसिंदा है, लोगों को मुंह में घाव हो गया है, प्रशासन को आवेदन दिया, आपके SP को आवेदन दिया है, लेकिन सुरक्षा नहीं मिला, नहीं मिला है। और इस वक्त और मैं बता देता हूँ, और मैं बता देना चाहता हूँ कि जब कोई जनप्रतिनिधि या आम व्यक्ति अपने जान माल की सुरक्षा, सुना जाए जब भी कोई जनप्रतिनिधि या आम पब्लिक प्रशासन से सुरक्षा की मांग करती है तो एक दंडाधारी पुलिस कर्मी भी उसके सुरक्षा के लिए नहीं जाता है। लेकिन मुखिया जी की हत्या के बाद इस बाउंड्री के जैसे बाहर निकल जाएंगे तमाम पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी और सभी बड़े बड़े अधिकारी लोग राइफल न जाने कौन कौन सा हथियार लेकर के इनके घर के रखवाली करने तब आया जब इस पिजड़े से सूगा को उड़ा दिया गया। अब जरा सोचिए कि इस प्रकार के व्यवस्था पे लोग कैसे विश्वास करेंगे। ये चाची भी कुछ बताना चाहती है। इतना तपस्या बगुआ लकलाई, इतना बाबू के अर्जल जथा बेच के मुदई दुश्मन के दिलाई, जिला जवार के गांव भर के इतना लोग के रचिया कलाई, लोग के बेटी के ब्याह में, बहन के शादी में, मरण हरण में, अब बाबू के अर्जल संपत्ति बउआ बेच के लोग के बांट दिलाई, तो अभी बउआ के प्राण न रहले तो कैसे ओकरा दुगो बउआ रहते। आपके भाई थे? हमको भाई है, हम बहुत भाई के आसरा लगा के बच्चा से पोसा, अब माई लेखन हम सबसे बोर है, हमर बाप माई मर गए तो हम बउआ के ले गए के भागली, कली रे बउआ तोरा ला भीख मांगबो रे बउओ, बाकी राम मन में न जाए देब, तो लोग कहे कोनो बात नहीं, प्रशासन कहे कोनो बात नहीं, सब लोग साथ है, तब बउआ के आवे दिली, बउआ अलग तो सारा लोग के रचिया कलक, बउआ ला किचो न सोच लाई, अपना बउआ दुआ ला किचो सोच के न गेलाई, अरे बाप बीच रोड पर भीख मंगा के गेलाई, आ लोग के सारा के पब्लिक ला कल जे कुछ कल बउआ से पब्लिक ला कल।
और मुख्यमंत्री जी अपने आंखों पर से काला पट्टी को हटाइए और इस बहन का दर्द देखिए, इस घर से जिसका हत्या किया गया उसके पत्नी का दर्द देखिए, इस घर के लोगों का दर्द देखिए और सबसे ज्यादा दर्द तो इस पंचायत के लोगों का देखिए। ये सभी लोग एक एक वोट दे करके मुई को मुखिया बनाए थे और मुखिया इसलिए नहीं बनाए थे कि कोई धड़ल्ले से और तीन गोली मार करके उनकी हत्या कर दे। सवाल उठाना तो बनता है, मुखिया है 20 साल से मुखिया है, पब्लिक इनको सेवा का मौका देता है। क्या बता रहे हैं? कृषि मंत्री जो राधा मोहन सिंह है वो ना अपना मतलब यहाँ का जो क्षेत्रीय है वो ना अपना यहाँ कुछ करेंगे, वो कुछ नहीं किए, उनके मतलब जो प्रशासन उधर ठेले हुए हैं, यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। अब यहाँ पे सुरक्षा लगा के भी कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा है नहीं, नहीं, कोई नहीं, फायदा नहीं, 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 कोई फायदा नहीं है। जिसको होना चाहिए था वो तो है नहीं, तो प्रशासन लगाने से कोई फायदा नहीं है और फायदा प्रशासन को उसके पीछे लगाने से है जिसने मुखिया जी का हत्या करवाया और जिस शूटर ने इनको गोली मारा। जरूरत तो वहां पे प्रशासन लगाने की है और बाकी पंचायत के सभी लोग क्या मांग कर रहे हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? अरे क्या चाहते हैं आप लोग? अपराधियों का सजा, अपराधी को सजा मिलना चाहिए। और ये सभी लोग अभी बिल्कुल मासूमियत से पेश आ रहे हैं इसलिए कि इनको प्रशासन पे पूरा भरोसा है, सरकार पे भरोसा है। भरोसा इसलिए है कि इनके हत्यारे को पकड़ा जाए और उचित कार्रवाई करके उचित दंड देने का प्रयास किया जाए। यदि इस प्रकार अनदेखा हर मामला को किया गया तो बिहार में एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी उसके बाद कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा और ना कोई बताने के लिए कुछ रहेगा। लेकिन इस प्रकार की घटना होते रहता पता है बिहार में 2,000-2,500 रुपए में कांटा मिलता है और 200-250 रुपए में गोलियां मिलता है। कोई भी अपराधी एक महीने कमा करके दर्जनों कांटा और गोली खरीद करके इस प्रकार के अपराध के घटना को दे सकता है। ये बात मैं डंके की चोट पे कहता हूं और इसके अंदर बिहार पुलिस की नाकामी भरी हुई है और सन्निकम्मी सरकार की नाकामयाब पुलिस है, तब जाकर के इस प्रकार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बिहार में होता जा रहा है और जनप्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, जो सबसे बड़ी दुखद बात है। हो सकता है मुख्यमंत्री जी आज इनकी बारी थी, परसों मेरी बारी होगी, चौथी बार मेरे कैमरामैन की बारी होगी, उसके बाद इस गांव के किसी लोग की बारी होगी और हो सकता है कि उसके बाद आपकी भी बारी आ सकती है, जो बड़ी सोचने वाली बात है। अभी भी समय बचा है, उचित कार्रवाई करिए, पुलिस को बंधक मत बनाइए, पुलिस को हिजड़ा बना के मत रखिए, उसको खुला छोड़िए ताकि सांड की तरह जाकर के और शिकार कर सके। जय हिंद।